डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.4 में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है। फॉर एग्जांपल, आप ये देखें कि अगर हमारे पास एक्स रेज टू पावर ए मल्टीप्लाई बाई एक्स रेज टू पावर बी हो, तो ये हम इसको कैसे लिखेंगे कि बेस बराबर हो तो पावर जो है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं x3 मल्टीप्लाई बाई x4, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, x रेज टू पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू x रेज टू पावर 7। तो इसका मतलब ये है कि बेस इक्वल हो तो पावर्स ऐड होती हैं और आपस में अगर मल्टीप्लाई हो रही हो और अगर डिवाइड हो रही हो, फॉर एग्जांपल जैसे x रेज टू पावर a ओवर ये हमारा पहला ला और ये दूसरा, तो x रेज टू पावर b। अब चूंकि हमारे पास ये फ्रैक्शनल वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, तो ये पावर जो है ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अब ये एग्जांपल में हम देख लेते हैं, x रेज टू पावर मिसाल के तौर पर 4 है और ये x रेज टू पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 4 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 1, तो 1 जो क्या हम लिखते नहीं है, तो ये x हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि x रेज टू पावर a होल रेज टू पावर b हो, तो ये x रेज टू पावर a b, यानी कि पावर हमेशा पावर से मल्टीप्लाई होती है। तो इसके सिलसिले में हम क्वेश्चन भी करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास x स्क्वायर की पावर जो है वो 3 हो, तो ये क्या बन जाएगी, x रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू x रेज टू पावर 6। तो स्टूडेंट, हम इन्हीं लॉज का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 2.4 के तमाम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। तो स्टूडेंट, ये क्या है हमारे पास, 243 होल रेज टू पावर माइनस 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 32 होल रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 5, तो और डिवाइडेड बाई 196 रेज टू पावर 1 माइनस 1 होल अंडर रूट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो यह है कि हम 243 के फैक्टर बनाएंगे। 243 के फैक्टर 3, 8 का 24, 3 1 का 3, 3 27, 3 9 का 27 एंड 3 3 का 9। और इसी तरीके से 32 के भी फैक्टर बनाएंगे। 32 के क्या फैक्टर बनाएंगे, 2 16, 2 8, 2 4 और 2 टू द 4। और इसी तरीके से स्टूडेंट, हम 196 के भी फैक्टर बनाएंगे। 196 के फैक्टर क्या बनते हैं, ये बनते हैं 2 2 9 का 18, 2 8 का 16, तो 2 4 का 8, 2 9 का 18, तो 7 7 का 49। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास ये फैक्टर आ गए, तो हम इसको क्या कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5। तो इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखिए ये 32 के हमने ये फैक्टर हमने निकाले हुए हैं, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 2 और होल रेज टू पावर माइनस 1 ओवर 5। तो अब ये 196 के जो फैक्टर बनाया हमने, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये रेडिकल फॉर्म है, तो ये माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट, अब इसके ये जो फैक्टर है इसको जरा इसको हम क्लोज करेंगे। इसको क्लोज करने के बाद अब ये देखिए ये क्या बन जाएगा, 3 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 2 बाई 3 माइनस, और उसके बाद ये 2 रेज टू पावर 5 माइनस 1 ओवर 5। अब ये 5 5 से ये कैंसिल, तो उसके बाद इसको क्या कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू पावर 2 होल
रेस्ट पावर माइनस वन ओवर टू। अब ये देखें कि यहां पे जो हमने रूल अप्लाई किया था पावर इज ऑलवेज मल्टीप्लाई विद पावर, तो क्या करेंगे, तो ये 3 रेस्ट पावर 5 जो है ये माइनस 2 बाई 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10 बाई 3 मल्टीप्लाई विद 2 रेस्ट पावर माइनस 1। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये देखिए पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेस्ट टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद माइनस 1 बाई 2, 7 रेस्ट टू पावर 2 मल्टीप्लाई विद माइनस 1 बाई 2, 2 2 से कैंसिल, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा अब स्टूडेंट हमारे पास 3 की पावर जो है वो ये देखिए कि इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे कि 10 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 द 9 तो ये 1, तो 3 होल 1 ओवर 3, तो क्या लिखेंगे 3 रेस टू पावर माइनस 3 होल 1 ओवर 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू पावर माइनस 1, ठीक है। और ये नीचे भी 2 रेस टू पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 7 रेस टू पावर माइनस 1, ये माइनस ये 2 रेस टू पावर माइनस 1 ये आपस में कैंसिल। तो अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि ये वैल्यू बनेगी 3 रेस टू पावर माइनस 3 इंटू 1 ओवर 3 होल ओवर 7 रेस टू पावर माइनस 1। तो अब स्टूडेंट अब ये देखें कि जैसे ही हमारे पास हम इस वैल्यूज को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये माइनस का साइन प्लस और प्लस का साइन जो है ये माइनस हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा हमारे पास 7 ओवर 3 रेस टू पावर। अच्छा अब ये देखें कि ये 3 जो है इस 3 को मैं इस तरह लिख सकता हूं 3 प्लस 1 ओवर 3, क्योंकि ये कंपाउंड फ्रैक्शन इज द सम ऑफ रियल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से तो क्या इसको मैं 3 प्लस 1 ओवर 3 और इसको इस तरह भी लिख सकता हूं 7 ओवर 3 रेस टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 3 रेस टू पावर। अब ये चूंकि ये सारी वैल्यू के साथ है ये, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 3 रेस टू पावर 1 ओवर 3, तो मैंने जो फ्रैक्शन है उसको मैंने सेपरेट कर दिया है, तो अब ये क्या हो जाएगा 7 ओवर 3 की पावर 3 27 और इसको आप इंडेक्स फॉर्म में लिख दें रेडिकल फॉर्म में तो 3 इनटू 3, तो ये हमारा आंसर। तो अब स्टूडेंट ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, अब ये देखें 2x रेस टू पावर 5 y रेस टू पावर माइनस 4 और माइनस 8 x रेस टू पावर माइनस 3 और y स्क्वायर। तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये है कि 2 को 8 से x को x वाली वैल्यू से और y को y वैल्यू y की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब ये देखें कि 2 इनटू माइनस 8, अब ये x मल्टीप्लाई होगा किसके साथ x रेस्ट पावर माइनस 3 के साथ और y की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी माइनस 4 ये होगी y स्क्वायर के साथ। अब वही फर्स्ट लॉ के बेस बराबर हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो ये 2 8 माइनस 16 इनटू अब ये x रेस्ट पावर 5 माइनस 3 इनटू y रेस्ट पावर माइनस 4 प्लस 2, तो स्टूडेंट अब ये क्या हो जाएगा माइनस 16 एक्स स्क्वायर इनटू वाई रेस टू पावर माइनस 2। अब चूंकि ये पावर माइनस 2 है जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस 16 एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अब ये असूल याद रखें कि एक्स रेस टू पावर माइनस ए इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स रेस टू पावर ए, तो या दूसरे लफ्जों में 1 ओवर x रेस टू पावर माइनस a इज इक्वल टू x रेस टू पावर a, यानी कि हर सूरत में अगर पावर ऊपर से नीचे जो भी अगर पावर माइनस में हो रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन उसका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, अब देखें पार्ट 3 में होल की पावर जो है वो क्या है माइनस 3, तो हम क्या करेंगे अगर हमारे पास इस किस्म की कोई सूरत हाल हो a ओवर b होल रेस टू पावर माइनस c
तो अब ये क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, इसको उठा देंगे तो ये b ओवर a रेस टू पावर जो है ये पॉजिटिव c हो जाएगी। तो यही असूल हम इसके ऊपर रखेंगे कि अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, x 4 y माइनस 3 z माइनस 4 ओवर x रेस टू पावर माइनस 2 y रेस टू पावर माइनस 1 और z रेस टू पावर ये जीरो है अभी, ठीक है, और ये माइनस 4 और होल की पावर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, होल की पावर हो जाएगी पॉजिटिव 3, ठीक है। अब ये देखें ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज थी हमने उसको क्या किया है, उसको न्यूमिनेटर में ले गए और न्यूमिनेटर वाले को हम नीचे लेके गए। तो स्टूडेंट क्या हम स्टूडेंट अब ये देखें कि ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी क्योंकि माइनस में है, तो अब ये क्या हो जाएगा x रेज टू पावर 4 प्लस 2 और इसी तरीके से y ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस 3 प्लस 1 और इसी तरीके से z क्या हो जाएगी 0 प्लस 4 होल रेज टू पावर 3। तो अब ये देखिए हमारे पास ये क्या बन जाएगा, x रेज टू पावर 6 इंटू y रेज टू पावर माइनस 2 और z रेज टू पावर 4 और होल रेस टू पावर क्या बन जाएगी 3। तो अब यहां पे ये देखिए कि स्टूडेंट पावर क्या है माइनस में, तो इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x 6 इनटू z 4 ओवर y स्क्वायर होल रेस टू पावर 3। अब देखें पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय पावर, तो हम क्या करेंगे कि x रेस टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इनटू z 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर y रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो हमारा आंसर क्या जाएगा x रेज टू पावर 18 इंटू y रेज टू पावर 12 ओवर z रेज टू पावर 12, z रेज टू पावर 12 और y रेज टू पावर 6 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी तरह चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये देखिए 81 है, 243 है, 9 है, हम इनके फैक्टर बनाएंगे। अब देखिए 81 के पहले फैक्टर बनाएंगे 327, 39 और 33 द 9 और इसी तरीके से 243 के भी फैक्टर बनाएंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये होल रेज टू पावर क्या बन जाएगा n इनटू 3 रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 4 n माइनस 1 और इसके फैक्टर जो बनाएंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 3 रेज टू पावर 5 जो होता है वो किसके बराबर होता है 243 के बराबर। तो होल ओवर अब ये 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर ये 2 n हो जाएगा इनटू 3 रेज टू पावर 3। अब देखें ये क्या बन जाएगा 3 रेज टू पावर 4, ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर n इनटू 3 रेज टू पावर 5 माइनस ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 4 n माइनस 1 इनटू 3 रेज टू पावर ये 5 हो जाएगा। होल ओवर पावर पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेज टू पावर 4 n इनटू 3 रेज टू पावर 3। तो अब देखिए स्टूडेंट पहले यहां पे पावर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा बिल्कुल सीक्वेंस एक जैसा रहे, तो ये क्या बन जाएगा 3 रेज टू पावर 4 n इनटू 3 रेज टू पावर 5। आप जैसा यहां पे ब्रैकेट लगाना चाहें तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, जैसे यहां पे ये भी लगा दें ब्रैकेट, तो माइनस 3 इनटू 4 n माइनस 1 इनटू 3 रेज टू पावर 5 और ये क्या बन जाएगा 3 रेज टू पावर 4 n इनटू 3 रेज टू पावर 3। अब बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये 3 रेज टू पावर 4 n प्लस 5 माइनस 3 रेज टू पावर 4 n माइनस 1 प्लस 5 होल ओवर 3 रेज टू पावर 4 n प्लस 3। अब इसको हम यहां पे सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 3 रेज टू पावर 4 n प्लस 5 माइनस 3 रेज टू पावर 4 n
प्लस 4, यानी कि इसको हमने ये सॉल्व किया, तो होल ओवर बनेगा 3^4n+3। अब स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले भी क्वेश्चन किया है, तो क्या मैं 3+4/5 को मैं 3/5+4/5 यानी कि फ्रैक्शन को मैं ब्रेक कर सकता हूं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3^4n+5/3^4n+3 -3^4n+4/3^4n+3। अब देखें ये बेस बराबर है, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, माइनस हो जाएगी, तो ये 3^4n+5 -4n-3 -3^4। अब ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 4n+4 -4n-3। तो अब ये देखें 4n -4n, 4n -4n यहाँ पर सभी कैंसिल हो गए, तो 5 -3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, हम स्टूडेंट्स को इधर ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको वाजे तौर पर ये नजर आए। तो इसके बाद अब ये जो स्टेप है आपका, ये ऊपर आप इसको देखें कि ये बन जाएगा हमारे पास 3^2 -3^1। अब स्टूडेंट ये तो आपको पता है कि 3^2 9 के बराबर, और ये 3, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 6। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 और 4। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। जे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट x^a/a/b (whole raised to power a plus b x^a/b (whole raised to power b plus c) (whole raised to power c) (whole raised to power a) (whole raised to power c plus a) = 1। तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएगी, x^a (x^b)/(b)/c (b+c)/(x^c)/(x^a)। तो c प्लस a। अब स्टूडेंट बिल्कुल वही ला इस्तेमाल करेंगे, अब ये बेस बराबर है तो ये पावर पर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, x^a (a+b)/(a+b) मल्टीप्लाई बाय x^b (c)/(b+c) मल्टीप्लाई बाय x^c (a)/(c+a)। अब पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय पावर, तो स्टूडेंट अब ये क्या करें कि x^a (a+b)/(a+b) x^b (c)/(b+c) मल्टीप्लाई बाय x^c (a)/(c+a)। अब देखिए ये a+b (a-b) वही को फॉर्मूला इस्तेमाल हो गया। अब ये बताएं कि सिंस a+b (a+b) = a²-b²। जी अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x^a²-b² मल्टीप्लाई बाई x^b²-c² मल्टीप्लाई बाई x^c²-a²। अब देखिए ये बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x^a²-b²+b²-c²+c²-a²। अब -c²+c²-b²+b² (a²-a²). तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x^0। और ये किसके बराबर होता है, किसी भी चीज की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो तो वो क्या क्या होती है, वो 1 के बराबर होती है। तो which is equal to right hand side।
तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस रूट। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर टू, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। जे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट वन सिंप्लीफाई। अब स्टूडेंट हम अपने इसी क्वेश्चन को भी उसी तरीके से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 27, 60, 184 और 9 के क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2^1/3 मल्टीप्लाई बाई, अब ये 3 × 3 × 3 तो 1/3 के बराबर। और ये 60 के फैक्टर क्या बनेंगे, 60 के फैक्टर हम यहां पे बना लेते हैं, तो ये 230 और 215 935। तो इसी तरह 60 के फैक्टर 2 × 2 × 3 × 5 1/2 होल ओवर। अब 180 के क्योंकि 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, तो उसके फैक्टर में ये 3 का इजाफा हो जाएगा, 2 × 2 और 3 × 3 × 5 2 × 2 × 2 4 के फैक्टर 2 × 2 −1/2 और 3 का जो है ये 3 × 3 ये 1/4 इसका ये फैक्टर बन गया। अब ये स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, ये 2^1/3 × 3 × 3 1/3। अब ये बन जाएगा 2^2 × 3 × 5 1/2। अब स्टूडेंट ये क्या बनेगा, ये पेयर बन जाएंगे 2^2 जैसे ये हमारा ये पेयर बना था, ये पेयर इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है, तो 3^2 और ये 5^1/2 तो ये क्या बन जाएगा, 2^2 और −1/2। अब स्टूडेंट अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जी ये 1/3 है। अच्छा जी अब इसको भी इसी तरीके से 3^2 और 1/4 जी। अब ये देखें जो चीज कैंसिल होती है उसको अब कैंसिल करते जाए, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 2^1/3 × 3 × 2^2 × 1/2 पावर पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, अब 3^1/2 और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, 5^1/2 होल ओवर। अब इसको भी इसी तरीके से कि 2^2 × 1/2 3^2 × 1/2 और 5^1/2 आप बच्चा ब्रैकेट का इस्तेमाल भी करते जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जी अब यहां पे ये बनेगा 2^-2/3 और 3^ अब ये 2^4 तो 3^1/2। अब ये देखिए स्टूडेंट ये 5^1/2 और 5^1/2 ये कैंसिल हो गए। तो और इसके अलावा अब ये देखें कि 3^1/2 ये 3^1/2 ये भी कैंसिल। हम इस क्वेश्चन को आगे मजीद इधर ही सॉल्व करते हैं, तो 2^1/3 और ये हमारा बचा बचेगा 3 और ये स्टूडेंट ये 2 से 2 ये भी कैंसिल, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, तो नीचे हमारे पास क्या बचेगा, ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से 2 ये 2 कैंसिल, तो बाकी नीचे क्या बचेगा, 2 × 3 × 2^-2/3 अब 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 2^1/3 होल ओवर 2^-2/3। अब देखिए बेस बराबर है तो स्टूडेंट ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, यानी कि अगर माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगी, प्लस का साइन हो तो माइनस हो जाएगी।
तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 2 raised to power 1/3 + 2/3। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 raised to power, अब देखें ये 3 इसका एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 2, तो ये हो जाएगा 2 raised to power 3/3, ये कैंसिल हो गया तो विच इज इक्वल टू 2, तो ये इसका आंसर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी तरह का क्वेश्चन जो है ये आपके रिव्यू एक्सरसाइज में भी मौजूद है, हम जब रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन हम वहां पे भी, मगर इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है, तो उसी फर्क के साथ हम उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, तो स्टूडेंट इसको भी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब पहले हम क्या करेंगे, 216 के फैक्टर बनाएंगे, उसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 तो ये होल रेज़ पावर ये 2/3, और 25 के फैक्टर 5 × 5 और 1/2 होल ओवर। अब स्टूडेंट ये क्या करेंगे, 4/100 होल रेज़ टू पावर -1/2। तो अब स्टूडेंट या तो आप प्रैक्टिकल साइन लगाएं या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये इसी तरह ये 1/2 लिख दें। अब क्या करेंगे, पावर को इकट्ठी करेंगे, तो ये 2 raised to power 3 और 3 raised to power 3 होल रेज़ टू पावर ये देखें 2/3 और मल्टीप्लाई बाई 5 raised to power 2 और 1/2। अच्छा स्टूडेंट अब ये देखें 4/100 है, जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये पावर जो है ये देखें ये पावर क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब देखें क्या मैं इसको 100/4 होल रेज़ टू पावर 1/2 लिख सकता हूं, और ये होल की पावर ये क्या हो जाएगी 1/2। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद ये कट जाएगा 25 आ जाएगा। तो अब ये देखें कि 2 raised to power 3 × 2/3, 3 raised to power 3 × 2/3, 5 raised to power 2 × 1/2। तो अब ये आपने ये नीचे, अब ये नीचे बचेगा 25 raised to power 1/2, तो इसको भी उसी तरीके से, अब देखिए 3 के साथ 3 कैंसिल और ये 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, और ये उसी तरीके से ये 1/2 भी साथ के साथ ये चलता रहेगा। अब ये यहां पे आपका आ जाएगा 2 raised to power 2 × 3 raised to power 2 × 5, अब ये क्या बन जाएगा 5 raised to power 2 होल रेज़ टू पावर 1/2, ये 2 से कैंसिल तो ये 1/2। तो अब स्टूडेंट अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 2 raised to power 2 × 3 raised to power 2 × 5 होल ओवर 5 होल रेज़ टू पावर 1/2, ये 5 से कैंसिल तो ये बन जाएगा 2 raised to power 2 × 3 raised to power 2 ये 1/2। तो इसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करें कि 2 × 3 होल रेज़ टू पावर 2 और ये 1/2 ये कैंसिल, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6, तो ये हमारा आंसर। तो ये थे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और 2। इसके बाद जो पार्ट 3 और 4 जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो चलते हैं अपने पार्ट 3 और 4 की तरफ। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 और 4 उसी तरीके से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब ये देखें यहां पे ये 5 raised to power 2 और 2 की पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 किसके बराबर होता है, 5 raised to power 8 डिवाइडेड बाय, अब यहां पे पावर मल्टीप्लाई होगी पावर के साथ, अब मैं यहां पे भी ब्रैकेट लगा देता हूं। तो ये देखिए स्टूडेंट, जब डिवीजन का साइन हो तो पावर्स माइनस होती हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर जो है वो क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 5 raised to power 8 − 6 और ये 8 − 6 ये 2 आ गया, तो विच इज इक्वल टू 25। अब 4 की तरफ देखें, अब ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है और यहां 3 की पावर 2 है,
स्टूडेंट इस क्वेश्चन में यही चीज आपने ध्यान में रखनी है कि पावर में या होल पावर अगर है किसी भी चीज की तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती है और ये 3 की पावर 2 है। तो अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 की पावर ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3 की x की पावर जो है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 9। तो ये भी तो अब क्या करें, डिवाइड हो रही है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये x रेज टू पावर 6 माइनस 9 तो ये हो जाएगी x रेज टू पावर माइनस 3। तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर x रेज टू पावर 3 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.4 इसके साथ ही कंप्लीट हुई। तो स्टूडेंट चलते चलते एज यूजुअल यही आपसे कहना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मेहनत करें, मेहनत में अजमत है, अपना और अपने असाज़ा का और अपने वालदैन का अदब और एहतराम करें, मेहनत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।